हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अच्छे कौशल ग्राम फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली। जैसा कि हमें पता है कि हम सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को सेकेंड ईयर पास करने के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना होता है। इस मिनी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें किसी न किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो कि यह ट्रेनिंग हमारा 45 डेज का होता है। मैंने अपनी 45 डेज की ट्रेनिंग टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से किया है, जो कि यह लखनऊ में है। इस 45 डेज में इस टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, और मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। इस 45 डेज में मैंने पाइथन बीटी जेंगो से मैंने एक ई कॉमर्स नाम से एक वेब एप्लीकेशन बनाया, जिसका प्रेजेंटेशन हम इस वीडियो में दिए हैं। जैसा कि आप सब लोग हमारे इस स्क्रीन को देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर हमारा ई कॉमर्स नाम का एक वेब एप्लीकेशन है, जिसका नाम डिजायर कार्ड है। इस वेब एप्लीकेशन का यह हमारा एक होम पेज होता है, जिसको हम फ्रंट पेज भी बोल सकते हैं। ये हमारा होम पेज है। इस होम पेज में हमारा यह एक स्लाइडर बार है, इस स्लाइडर बार के नीचे हमारे कुछ कैटेगरी बने हैं, जैसे मेंस, वुमेंस, किड्स। और इस कैटेगरी के नीचे हमारा ये आवर प्रोडक्ट है, जिसको मैंने ऐड किया है। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव एंड डायनेमिकली है। और इस प्रोडक्ट के नीचे हमारा एक बिग सेल दिखाया है, जहाँ पे हमारे ऑफर्स दिए जाते हैं। इस होम पेज में कुछ हमारे मेन्यूज बने हैं, जैसे होम, प्रोडक्ट, माय ऑर्डर्स, माय प्रोफाइल, कस्टमर सपोर्ट, फीडबैक, साइन अप, साइन इन। इस मेनू बार में हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्रोडक्ट में हमारे तीन कैटेगरी बने हैं, मेंस, वुमेंस एंड किड्स। आइए हम अब इस मेन कैटेगरी पे जाते हैं। मैंने इस मेन कैटेगरी पे गए और यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंस टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड किया है। ये पूरी फुल्ली डायनेमिकली है। ये हमारे जो बगल में है, ये हमारे सब कैटेगरी हैं, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब कैटेगरी बने हैं, जैसे टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, कुर्ता। जैसे हमारा टी शर्ट है, टी शर्ट पर मैंने क्लिक किया, ये हमारे कुछ टी शर्ट हो गए मेंस के, और ये हमारे कुछ शर्ट हैं, ये हमारे सब मेन प्रोडक्ट के हैं। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए हम यहाँ से साइन अप मेनू पे जाएंगे, और यहाँ से साइन अप मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, और फीमेल आईडी डालेंगे, और पासवर्ड एक डाल देंगे, और फिर कंफर्म पासवर्ड एक डाल देंगे, और कोई एक फ़ोटो ऐड कर देंगे इस फोटो को ऐड किया, और फिर इसके बाद एक अपना एड्रेस दे देंगे, और आई एक्सेप्ट क्लिक करके जैसे ही रजिस्टर नाउ किया, वैसे ही हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद हम फिर से प्रोडक्ट पे जाएंगे और कैटेगरी मेंस पे जाएंगे, और वहाँ से फिर से ऐड टू कार्ट करेंगे। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे, ये हमारा बता रहा है दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन योर कार्ट, यानी ये हमारा यह प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी पहले से ऐड है। इसी तरह हम कोई भी कैटेगरी में जा सकते हैं। वुमेंस है, जैसे वुमेंस में हमारे बहुत सारे सब कैटेगरी हैं, कुर्ता है, टी शर्ट है, शर्ट है, जीन्स है, इस तरह बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं। इसमें हर एक अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट को ऐड किया गया है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं। ये सब फुल्ली डायनेमिकली है। और इसी प्रकार इस मेनू में हमारे कुछ जैसे मेनू है माय प्रोफाइल,
प्रोफाइल है। इस माय प्रोफाइल मेनू में हम कोई भी अपना बायोडाटा को एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ नेम अक्षय कौशल है, यहाँ कोई और नाम भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर कोई चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना एड्रेस सही करके और इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरी फुल्ली डायनेमिकली अपडेट हो जाएगा। और ये हमारे कुछ जो हमारे ऑर्डर्स किए हुए हैं वो यहाँ से उसका भी यहाँ पे हमारा दिखता है। और हम कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो हमारा ये मेनू फीडबैक का है, जहाँ पे अपना नाम लिखना है और इमेज पिक लगाना है, यहाँ किस स्टेट से आ रहे हो वहाँ लिखना है, और यहाँ फीडबैक जो लिखना हो और यहाँ सेंड फीडबैक भी क्लिक करेंगे वो हमारा फीडबैक इस टर्मिनल पे दिखेगा। इसी तरह कस्टमर सपोर्ट है, जहाँ पे कोई भी आके कोई भी सहायता हमारी इस वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो सहायता लेने के लिए हम इस कॉन्टेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को फिलअप करके हमें मैसेज सेंड कर सकता है। थैंक यू।